हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बताने वाला हूँ बिकॉज आई लव यू, जो कि एक कोरियन मूवी है और इसको जा करके आप लोग अमेजोन मिनी टीवी या फिर आपको एमएक्स प्लेयर पर देखने के लिए मिल जाएगा। इसमें आपको रोमांस और कॉमेडी, ये एक फैंटेसी टाइप मूवी, तो चाहो तो आप लोग इसको जा करके देख सकते हो। ये 2017 में रिलीज हुआ था, मगर इसका अभी जा करके ऑफिशियली हिंदी डबिंग में रिलीज किया गया है, जो आपको एमएक्स प्लेयर या फिर आपको अमेजोन मिनी टीवी पर देखने के लिए मिल जाएगा। इसका क्वालिटी भी काफी ज्यादा अच्छा दिखाया गया है, प्लस इसका डबिंग भी काफी ज्यादा अच्छा है। जो मेन कैरेक्टर से उसपे भी, आज जो सपोर्टिंग कैरेक्टर है उसपे भी काफी ज्यादा अच्छा खासा फोकस किया गया। लेकिन ये एक पुराना मूवी है, लेकिन इसका आपको नया जैसा देखने के लिए मिलेगा। प्लस इसकी क्वालिटी इतनी अच्छा किया गया है जिसकी वजह से आप लोगों को ये मूवी पसंद आएगा। इसका डबिंग भी वो हिसाब का है जो आप लोगों को पसंद आएगा, लेकिन इसमें सिंपल सा है, लेकिन इसका काफी अलग तरीके से बनाया है जिसकी वजह से आप लोगों को पसंद आएगा। पुराना मूवी है, लेकिन आपको ये मूवी देखने के बाद आपको काफी ज्यादा अच्छा फीलिंग आएगा, तो चाहो तो आप लोग इसको जा करके देख सकते हो। तो बात करते हैं इसके स्टोरी लाइन के बारे में, जो कि यू नाम का जो लड़का दिखाया जाता है वो अपने गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने वाला होता है। प्लस वो लोग काफी लंबे समय से रिलेशनशिप में होते हैं, फिर उसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि शादी करने का डिसाइड करता है, प्लस वो प्रपोज भी करता है। प्रपोज करने के बाद कुछ दिन के बाद दिखाया जाता है कि उसका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट होने के बाद वो हर एक चीज भूल जाता है, और जब वो होश में आता है तो हर एक चीज बदल चुका होता है, और वो पाता है कि दूसरे के शरीर में है। फिर वो जिंदगी जीता है, फिर जिंदगी कौन से हिसाब से जीता है, फिर उसको क्या क्या प्रॉब्लम होती है। फिर दूसरी तरफ उसकी गर्लफ्रेंड जो होती है, जिसको प्रपोज किया रहता है, वो भी काफी ज्यादा परेशान होती है इसके लेकर के वो गया तो गया कहाँ। तो ये सब चीजें बताई जाती है। फिर दिखाया जाता है कि जब उसको मालूम पड़ता है कि वो दूसरे के बॉडी में भी जा सकता है, आराम से जा सकता है, आ सकता है, तो वो हर एक के बॉडी में जाता है, जो प्रॉब्लम होता है उसको प्रॉब्लम सॉल्व करता है, और दूसरे के बॉडी में ऐसे जाता है, फिर उसका प्रॉब्लम सॉल्व करता है, फिर वापस आ जाता है। तो ऐसे करते रहता है, फिर जो उसका जो बॉडी रहता है उसमें कैसे वो जाता है, और जाने के बाद किसको कैसे क्या क्या चीज का प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, और वैसे कैसे डायरेक्टली उसके अपने बॉडी में जाता है, या फिर उसकी बॉडी डिस्ट्रॉय हो चुकी रहती है। ये सब जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा ये मूवी को। तो ये मूवी काफी ज्यादा अच्छा दिखाया गया है, प्लस उसके जीवन में जो प्रॉब्लम स्टार्ट होते हैं, फिर वो प्रॉब्लम को कैसे वो लोग फेस करता है, फेस करने के बाद जो भी चीजें बदलती है उन दोनों के बीच में, और कैसे हर एक चीज हो जाता है, तो ये सब चीजें जो बताई गई, तो चाहो तो आप लोग इसको जाकर के देख सकते हो। मेरे हिसाब से ये एक अच्छा मूवी जो आप लोगों को देखनी चाहिए। इसमें हर एक चीज परफेक्टली बताई गई है, जैसे कि आपको रोमांस टाइम टू टाइम देखने को मिलेगा, और प्लस इसको कॉमेडी भी काफी ज्यादा अच्छा दिखाया गया है। और वो जब ट्रांसफर करता है दूसरे से दूसरे के दूसरे बॉडी में जाता है, तो वो सब सीन जो है जो काफी ज्यादा अच्छे तरीके से बताएगा, जो आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद आएगा। इसके वजह से मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर देखना है तो ये मूवी जाकर के देख सकते हो। इसमें हर एक चीज है जो काफी ज्यादा अच्छे तरीके से, जो भी की डबिंग भी हो प्लस इसका क्वालिटी भी हो, तो वो सब चीजें हैं। जो एक्टिंग स्किल की बात करो तो एक्टिंग स्किल भी काफी ज्यादा अच्छा दिखाया गया, जिसकी वजह से आप लोगों को काफी ज्यादा इसमें पसंद आएगा, तो चाहो तो आप लोग इसको जाकर के देख सकते हो। इसी नए नए वीडियो के लिए मेरे साथ बने रहे, ताकि आप लोगों के लिए नया नया वीडियो लेके आ सकूं। और जो ड्रामा आप लोगों को नहीं मिल रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वो ड्रामा मैं लेके आऊंगा। कमेंट करो वो ड्रामा को ऑफिशियल हिंदी डबिंग में रहेगा तब, या फिर आपको इंग्लिश सबटाइटल्स में रहेगा, फिर भी मैं वो बताऊंगा कि वो ड्रामा कहाँ पे मिलेगा और ड्रामा कैसा है, ये भी मैं रिव्यू करूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मिलते हैं अगले वीडियो में।